ब्रोकरेज रिपोर्ट की। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तिथागर रेल के साथ, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने अभी इनिशिएट किया है ओवरवेट रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1,285 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहीं पर रेल सिस्टम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और उसमें तिथागर जो है वो एक बेनिफिशियरी के रूप में हमें उभरता हुआ देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हमें आगे जाके अर्निंग्स में भी 28% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में, और इसीलिए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो 1,285 रुपीज़ पे सेट किया है। अगली बात करते हैं इंडस टावर्स की, जहाँ पे मैक्वायरी ने डाउनग्रेड किया है रेटिंग अंडर परफॉर्म रेटिंग पे, जबकि टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 265 रुपीज़ पे किया है। उनका मानना है कि कहीं पे ग्रोथ विजिबिलिटी तो है बट ये सब जो है वो प्राइस डेन है पहले से ही। VI का जो बेनिफिट है इसकी वजह से ये जो टारगेट प्राइस है वो कहीं पे उन्होंने अपग्रेड किया है, बट आगे जाके उन्होंने EPS में भी कट किया है FY25 और FY26 के, इसी के लिए ये जो डाउनग्रेड किया है अंडर परफॉर्म रेटिंग पे वो हमें देखने को मिल रहा है इंडस टावर्स में। अगली बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिन पे ब्रोकरेज नोट्स आए नतीजों के बाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार ट्रेड की, जैसे हमने देखा कि नंबर्स कल आ चुके थे, इसी के साथ साथ नमूरा ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 982 रुपीज़ पर बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि कहीं पर हमें EBITDA में बीट देखने को मिला था, मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला, और आगे जाके जो फोकस रहेगा कैपिटलाइजेशन पे वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है कंपनी के लिए। अगली बात करते हैं लुपिन की, जहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1,375 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि हमें देखने को मिला था कहीं पे कि उनके मुताबिक कोटक सिक्योरिटीज़ के मुताबिक कहीं पे ऑपरेशन में मिस देखने को मिला था उनको। US सेल्स अगर Q4 की बात करें तो $209 मिलियन पे है, जो जिसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला था 1.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और इसीलिए उन्होंने एक सेल रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं मारिको की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने अभी अपग्रेड किया है प्राइस 616 रुपीज़ पे, और ये जो ये है रेटिंग है वो भी उन्होंने बढ़ा के बाय रेटिंग पे किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसमें हमें देखने को मिल रहा है और आगे जाके वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकता है मारिको में। अगली बात करते हैं हिंडाल्को की, क्योंकि JP Morgan ने अभी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 730 रुपीज़ पे बढ़ा दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे नोविलिस का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो आगे जाके भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ नेट डेट टू EBITDA अगर बात करें तो 2.3 टाइम्स था Q4 में। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज काफ़ी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जिस पर की फोकस रहेगा।